container in the shape of a right circular cone whose radius and depth are equal gets completely filled by 1 to 8 000 spherical droplets, each of diameter 2 mm. What is the radius of the container? देखो मान लो ये कोन है जिसका हाइट h है और जिसका रेडियस भी क्या है h है. इसको स्फेरिकल शेप के 1 to 8 000 ड्रॉपलेट से फिल कर दिया जा रहा है. तो आप एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा वो फाइंड आउट कर लो. तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³. ये क्लियर है? तो 4/3 × 22/7 इंटू यहां पे 2 mm का डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1 mm. ये क्लियर है? अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 cm. तो अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/3 × 22/7 इंटू 1/10 × 1/10 × 1/10 और क्या आएगा cm³. तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा सिंपली 1/2800 × 4/3 × 22/7 × 1/100 और ये हो जाएगा cm³. 000 से ये 000 कैंसिल. तो ये वैल्यू कितना आएगा 1/2800 × 4/3 × 22/7 और ये हो जाएगा cm³. नाउ यही टोटल वॉल्यूम किसमें फिल होगा? जो कोन में फिल होगा, जो कोन का वॉल्यूम होगा. और ये दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h. ये क्लियर है? और वो किसके इक्वल है 1/2800 × 4/3 × 22/7 और ये cm³. ये क्लियर है? यहां पे 22/7 का वैल्यू किसके इक्वल है? पाई के. तो पाई से ये वैल्यू को कैंसिल आउट कर दो. ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहां पे r और h दोनों इक्वल था तो सिंपली आप क्या लिखोगे? r को h से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा h³ = आपको मिल जाएगा 1/28 × 4 और ये मिल जाएगा cm³. तो यहां से h का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? सिंपली ये क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा 1/28 × 4 और ये हो जाएगा cm. इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे तो क्यूब रूट 64 × क्या लिख सकते हो 8 और ये हो जाएगा cm. तो यहां से क्यूब रूट के बाहर कौन सा निकलेगा? 64 के बदले 4 और 8 के बदले 2. तो यही आपका टोटल क्या हो जाएगा? हाइट. तो ये हाइट कितना आएगा? वो सिंपली आएगा 8 cm. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.